हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपके सिलेबस में से 25% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो इस वीडियो में हम 10th के मैथ्स पार्ट 1 में कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको हर टॉपिक में कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है वो पेज वाइज बताऊँगा। मैं आपको हर पेज पर लेकर जाकर उस पेज पे कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है उसके बारे में डिक्टेक्ट करूंगा। तो प्लीज़ आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए और अपनी बुक और पेंसिल लेकर आ जाइए। आई होप आपके हाथ में अब पेंसिल और अपनी बुक है। तो मैं आपको हर पेज में कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है उसके बारे में बताऊंगा और आपको उसे मार्क करना है। और हाँ फ्रेंड्स, ध्यान में रखें कि आपको किसी भी पार्ट को क्रॉस या हटा नहीं देना है, क्योंकि ये जो 25% सिलेबस रिड्यूस किया है ये सिर्फ इसी साल के लिए किया है। और ध्यान में रखें कि ये सिलेबस फिर अगले साल में ज़रूर आएगा। तो अगर आप ये बुक अपनी किसी फ्रेंड को और भाई बहन को देना चाहते हो तो उनके लिए तो ये पार्ट सिलेबस में होगा। तो अगर आप इसे अभी हटा दोगे तो आगे जाकर उन्हें दिक्कत होगी। तो आप इसे क्रॉस मार्क मत कीजिए, इसकी जगह आप इसे मार्क कर सकते हैं या फिर ऐसा स्क्वायर भी बना सकते हैं। मैं आपको ऐसे स्क्वायर बनाकर ही बताऊंगा कि कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है, आपको इसे मार्क करना है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हम पहले फर्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है। पेज नंबर सेकेंड पे आ जाइए। सेकेंड पेज पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको, ये पूरा हटा दिया है, तो आप इसे मार्क कर दीजिए। इसके बाद पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है उसे भी मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये भी हटा दिया है। इसके बाद पेज नंबर 4 पे जो प्रैक्टिस सेट में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है इसे मार्क कर दीजिए, ये रिड्यूस किया है। आई होप आप मार्क कर रहे हैं। अब पेज नंबर 5 पे जो क्वेश्चन सेकंड दिख रहा है इसमें फर्स्ट से 6 तक सब क्वेश्चन हटा दिए, इसे भी आप मार्क कर दीजिए। अब पेज नंबर 16 पे आ जाइए। 16 पे आखिरी में जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसे हटा दिया है, इसे मार्क कर दीजिए। अब पेज नंबर 17 पे जो पूरा पेज दिख रहा है वो पूरा पेज हटा दीजिए। अब पेज नंबर 18 पे पूरा पेज, फिर से ये पूरा पेज रिड्यूस किया है, इसे भी मार्क कर दीजिए। पेज नंबर 19 पूरा पेज, आई होप आप मार्क कर रहे हो। और ध्यान में रखिए कि आपको इसे क्रॉस मार्क नहीं करना है, सिर्फ मार्क करके रखना है। अब पेज नंबर 28 पे 6th क्वेश्चन, पूरा 6th क्वेश्चन रिड्यूस किया है, इसे भी मार्क कर दीजिए। अब हम सेकंड टॉपिक में देखते हैं कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है। पेज नंबर 37 पे जो लेट्स लर्न का जो पार्ट है इसे इन्होंने रिड्यूस किया है, इसे भी मार्क कर दीजिए। अब पेज नंबर 38 पे पूरा पेज रिड्यूस हुआ है, इसे मार्क कर दीजिए। अब पेज नंबर 39 में जो आप ऊपर देख सकते हैं एग्जांपल 2 और उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.3, ये पूरा रिड्यूस हुआ है, इसे मार्क कर दीजिए। अब पेज नंबर 42 पूरा रिड्यूस हुआ है, इसे भी मार्क कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर 43 पे आ जाइए। 43 में जो आपको ये एक्टिविटी का बॉक्स दिख रहा है इसे मार्क कर दीजिए, ये भी हटा दिया है। अब पेज नंबर 46 पूरा पेज हटा दिया है, तो इसे भी मार्क कर दीजिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ किसी भी पार्ट को क्रॉस मार्क या रफ मत कीजिए, क्योंकि ये अगले ईयर से फिर से आएगा, तो क्रॉस मत कीजिए, सिर्फ मार्क कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 47 फिर से पूरा पेज रिड्यूस हुआ है, इसे भी मार्क कर दीजिए। अब पेज नंबर 49
पेज नंबर 49 में जो ऊपर आपको बॉक्स दिख रहा है लेट्स रिमेम्बर का, इसे इन्होंने हटा दिया है, इसे भी मार्क कर दीजिए। और साथ ही साथ 49 पे और एक पार्ट रिड्यूस हुआ है, वो जो प्रैक्टिस सेट 2.5 में फर्स्ट क्वेश्चन में सब क्वेश्चन थ्री को इन्होंने हटा दिया है, इसे भी मार्क कर दीजिए। अब पेज नंबर 50 पे जो आपको ऊपर क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन दिख रहा है, इसे रिड्यूस किया है, इसे भी मार्क कर दीजिए। पेज नंबर 53 पे प्रैक्टिस सेट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन में सिक्स्थ सब क्वेश्चन को हटा दिया है, इसे भी रिड्यूस कर दीजिए। अब पेज नंबर 54 में टेंथ क्वेश्चन को हटा दिया है, इसे भी मार्क कर दीजिए। अब देखते हैं थर्ड टॉपिक में, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें फ्रेंड्स कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं किया है, ये पूरा टॉपिक जैसा था वैसा ही रखा है। तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी पार्ट को रिड्यूस नहीं करना है। सीधा हम चलेंगे अब फोर्थ टॉपिक में, जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है। इसमें पेज नंबर 94 पे आ जाइए। 94 में जो आपको एक बॉक्स दिखेगा जो है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इसे इन्होंने रिड्यूस किया है, इसे मार्क कर दीजिए। इसके बाद 96 पूरा पेज रिड्यूस हुआ है, इसे मार्क कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 97 से लेकर पेज नंबर 108 सारे पेजेस हटा दीजिए, मतलब उन्हें मार्क कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स क्रॉस मत करना, सिर्फ मार्क करके रखिए पेज नंबर 97 से लेकर पेज नंबर 108। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे हमने मैथ्स रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल 25 सेकंड में स्क्वायर कैसे निकालना है, फिर 25 सेकंड में स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, और डिवीजन में जीरो आता है तो क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मैथ्स की पढ़ाई कैसी करनी है, इससे रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियोस भी जरूर देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर 111 यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सेट 4B दिखेगा। इन्होंने इस प्रॉब्लम सेट को पूरा हटा दिया है, प्रॉब्लम सेट 4B पूरा हटा दिया है, मतलब 111 पे जो है और 112 पे जो पार्ट है इसे पूरा हटा दिया है। अगला टॉपिक है फिफ्थ, जो है प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक में भी कोई चेंज नहीं है, ये टॉपिक जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। तो हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, सिक्स टॉपिक, जो कि आपका आखिरी टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखते हैं कि कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है। पेज नंबर 132 पे आ जाइए। इसमें जो अज्यूम्ड मेथड का आखिरी में जो पैराग्राफ या कुछ पार्ट है, इसे इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, तो इसे मार्क कर दीजिए। अब इसके बाद फिर से इन्होंने 133 से लेकर 137 तक के सारे पेजेस रिड्यूस किए, तो आपको इन्हें भी मार्क करना है। प्लीज़ फ्रेंड्स क्रॉस मत कीजिए, सिर्फ मार्क करके रखिए। फ्रेंड्स इस चैनल पे हम मैथ्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियो डालने वाले हैं, और वहाँ हम मैथ्स के सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे जाकर आपको इसका बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब हम आगे देखते हैं पेज नंबर 138। इसमें आपको देखेगा प्रैक्टिस सेट 6.1 है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को रिड्यूस किया है, तो इन्हें मार्क करके रख लीजिए। आगे पेज नंबर 159, इसमें पूरा पेज रिड्यूस किया है, तो इसे भी मार्क करके रख लीजिए। अब पेज नंबर 160, ये भी पूरा पेज रिड्यूस हुआ है, तो इसे भी मार्क करके रख दीजिए। अब पेज नंबर 164,
164 में जो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन दिख रहा है आपको ऊपर, ये इन्होंने कम किया है, तो इसे भी मार्क कर दीजिए। इसके बाद पेज नंबर 165, ये पेज नंबर 165 है, इसमें जो फर्स्ट ऊपर आपको दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है एक्चुअली, इसे भी मार्क कर दीजिए क्योंकि ये भी रिड्यूस हुआ है। और इसके साथ ही उसके नीचे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे भी रिड्यूस कर दीजिए, ये भी हट गया है। अब पेज नंबर 167 पे आ जाइए, यहाँ पे जो 14th क्वेश्चन है इसे मार्क कर दीजिए क्योंकि ये भी हट गया है। अब पेज नंबर 168 पे जो 16th क्वेश्चन है इसे भी मार्क कर दीजिए क्योंकि ये भी हट गया है। फ्रेंड्स, आई होप आपने हर टॉपिक के हर पार्ट को मार्क कर दिया है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए कि ये पार्ट इसी साल के लिए कम हुआ है, अगले साल ये फिर से आएगा सिलेबस में, तो इसे क्रॉस मत करना। और फ्रेंड्स, आप ये मत सोचो कि ये सिलेबस हट गया है तो इसे पढ़ना नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ इस पूरे बुक को पढ़िए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट रिड्यूस है या फिर जो क्वेश्चंस कम किए हैं ये आपको हेल्पफुल है। अगले साल जब भी आप पढ़ाई करोगे तो आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी सजेशन आपको ये है कि पूरी बुक की नॉलेज लीजिए, कोई भी पार्ट रिड्यूस मत कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।